वेलकम टू ज़ायरा किचन। आज हम लेके आए हैं विदाउट गरम मसाला, विदाउट क्रीम, वन पॉट रेसिपी कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर की खासियत है कि हम इसमें सभी सब्जियां डाइस में कट करेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर प्याज और शिमला मिर्च को डाइस में कट कर लिया है और एक लहसुन को साफ कर लिया है। आगे मैंने करीब 400 ग्राम पनीर को डाइस में कट कर लिया है। अब आगे मैंने आधे लहसुन और थोड़े से अदरक का पेस्ट बना लिया है और 4-5 टमाटर की प्यूरी बना ली है। अब मैं एक पैन में 125 ml तेल गरम करके उसमें जीरा डालूंगी। जीरे के तड़कने के बाद कटे हुए प्याज, साफ किया हुआ अदरक और कटी हुई शिमला मिर्च डालकर 1 मिनट के लिए पकाऊंगी। ध्यान रखिएगा, इस रेसिपी में सब्जियों को ओवरकुक नहीं करना है, ओवरकुक करने से उनका कलर ख़राब हो जाता है। इन दोनों के पकने के बाद मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी, उसे भी 2 मिनट तक मिक्स करके पकाऊंगी। उसके बाद टमाटर की प्यूरी डाल दूंगी, उसे भी 1 मिनट तक पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। ध्यान रखिएगा कि इसमें धनिया का पाउडर नहीं डालना है। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें कटे हुए पनीर डाल दूंगी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, सब्जी का कलर कितना अच्छा निकल के आया है। सब्जियों का कलर और सब्जियों का कट आपका एपेटाइट बढ़ाता है। अब मैं इसमें 2 कटे हुए टमाटर डाल दूंगी। टमाटर को भी ओवरकुक नहीं करना है और इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारी सब्जी ऑलमोस्ट बनके तैयार है। आप इसे 2 मिनट तक पका लीजिए। तब तक हम कटे हुए धनिए, कसी हुई अदरक और 2 कटी हुई हरी मिर्च और 1 नींबू का रस को अच्छे से मिलाकर तैयार कर लेंगे। अब हम सब्जी में 2 चम्मच बटर के डालेंगे, जिससे कि इस सब्जी का टेस्ट दोगुना हो जाएगा। बटर डालने के बाद धनिया, अदरक और मिर्ची और नींबू के रस से हम इसे गार्निश करेंगे। अब हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब हम इसे एक पॉट में सर्व करेंगे। ये देखिए, हमारी सब्जी बनके तैयार है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक व शेयर करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।